वैज्ञानिकों और महापंडितों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में इस तरह का सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा है। कुदरत का ये रोमांचक खेल देखने के लिए सभी बेचैन हैं। वैज्ञानिकों की आम जनता से ये अपील है कि कोई भी सीधा इस सूर्य ग्रहण को ना देखे, क्योंकि इसका सीधा असर आंखों और शरीर पर पड़ सकता है। कृपया ग्रहण को देखने के लिए काले शीशे या फिर काले चश्मे का प्रयोग करें। महापंडितों का कहना है कि अगर आज का ये सूर्य ग्रहण किसी ने भी सीधे सीधे गलती से देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। देखने वाले को कालयोग घेर लेगा, उससे जुड़े सभी लोग, घर परिवार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया। कौन है? क्या बात है चाचू, कृषि दर्शन देख रहे हैं? नहीं, ग्रहण दर्शन देख रहा था। नहीं पता, तेरे को बताता हूँ। पता है क्या हुआ? बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा है, इतना खतरनाक वाला है, इसमें 10 सालों में नहीं लगा था। अच्छा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? ग्रहण दर्शन देखने। नहीं जाना, ग्रहण दर्शन देखने नहीं जाना। अच्छा चाचू, मैं ग्रहण दर्शन करने जा रही हूँ, आपका भविष्य देखने नहीं जा रही हूँ। मेरे भविष्य को तो वैसे ही ग्रहण लगा हुआ है, मगर ग्रहण दर्शन देखने नहीं जाना तूने बस। लेकिन क्यों? बड़े बड़े विद्वानों पंडितों ने कहा है कि अगर ये सूर्य ग्रहण सीधे सीधे देख लिया ना, तो देखने वाले पे काल योग लग जाएगा, उसकी उसकी उसका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, उस पे विपत्तियां आ जाएंगी, बड़े बड़े संकट आ जाएंगे, विपदाएं आ जाएंगी। सच्ची कह रहा हूँ। देख, तू चाहती है कि हमारे घर में संकट आए, हम लोग सब बर्बाद हो जाए, हम पे विपत्तियां आए, हम पे विपदाएं आए, तो नहीं जाएगी ना देखने? ठीक है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। हाँ जी, ये ले, ये प्रसाद का। अच्छा, क्या का है? सूर्य ग्रहण। क्या कर दिया आपने? और सूर्य ग्रहण का प्रसाद मुझे खिला दिया? सत्यानाश, तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कैसे? तुझे पता नहीं, गांव के रीति रिवाज के हिसाब से कहते हैं कि घर की जो औरत होती है वो सुबह सूर्य ग्रहण देख के उसकी पूजा करके उसका जो प्रसाद है ना, सबसे दुखी आदमी, सबसे परेशान, सबसे किस्मत के मारे आदमी को खिलाए ना, तो घर में सुख शांति होती है। जाई, आपने कहीं सूर्य ग्रहण तो नहीं देख लिया? देखा ना, अभी बालकनी से। ये तो अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? हो गया पाजी, पंगा पड़ गया, सत्यानाश हो जाना है, सब कुछ बर्बाद हो जाना है, बीमारियां फैल जानी है, कोई नहीं बचेगा। चुप चुप बोल खोते चाची, अगर ऐसा हो गया मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैंने वो लोन के लिए एप्लीकेशन दिया बैंक में, वो लगा इंक्वायरी के लिए भी आ रहे, मुझे लगता है लोन मिलेगा। अरे यार, हम तो खामा खा फंस गए झमेले में। जी आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, गलती मुझसे हुई है ना, तो हल भी मैंने निकाल लिया है। पता है, मैंने अपने खानदानी पंडित को फोन करके पूछा, उसने बताया थोड़ी थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ेंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब क्या सी तकलीफें उठानी पड़ेगी भाई? थोड़ी मामूली सी, जैसे घर का जो गंजा बंदा है ना, उसको 1100 आदमियों का खाना बनाना होगा। हाँ, और शिव मंदिर जाके अपने हाथ से भिखारियों को खिलाना होगा। ठीक है, बना लूंगा। 11 लोगों को खाना बनाना का उसी बड़ी बात बना लूंगा। 11 नहीं, 1100। हाँ वही कह रहा हूँ, 1100। यस बल्लू। हाँ, और दूसरा उपाय है जी, घर की वो जनानी जिसके कदम कभी भी रसोई में ना पड़े हो ना, उसको घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा जाले वाले सारे निकालने पड़ेंगे घर के। तो बहन जी इतना भी नहीं समझते आप? और हैंसी भाई सर, आपके लिए तो बहुत ही आसान काम है, आप तो वैसे ही पत्नी भक्त हो ना। हाँ जी। आपको पता है क्या करना है? 2-2 बाल्टियां लेके ना छत पे जाना है हर 10-10 मिनट पे, और जाके ना सूर्य देवता के ऊपर चढ़ाना है। और सनी पुत्र, तू तो ना काले रंग से दूर है ना, क्योंकि पंडित का कहना है कि सूर्य ग्रहण का सीधा संबंध काले रंग से होता है, काले रंग से बचना, और काले रंग का जितना भी तिरस्कार अपमान होगा ना, उतना ग्रहण का असर नहीं होगा। और जी आपको और सिमी को तो कुछ करना ही नहीं है, सबसे आसान काम है 1.25 किलो की मिठाई ले जाके ना काली नदी में बहा देनी है। अच्छा चल ठीक है, बहा देंगे पैदल जी, ज्यादा दूर नहीं, बस 20 किलोमीटर की दूरी पे है। 20 किलोमीटर आना जाना चालू हो जाता है, और तुझे कुछ करना कि नहीं करना? सब कुछ हमें ही करना है। करना क्यों नहीं है जी, मुझे भी ना 10 किलो धान कूटनी है, वो मैं कूट लूंगी।
अब आप लोग बैठो नहीं, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, चलो शुरू हो जाओ। सिमी पुत्र एक बार फिर सोच ला, वो काली नदी यहाँ से 20 किलोमीटर है, इतना चल पाएगी तू? अरे पापा जी आप डर गए। और नहीं भाई, मैं तो पिंड का आदमी हूँ, मैं थोड़ी डरूंगा, और मैं तेरे लिए फिक्र कर रहा हूँ। अरे पापा जी 20 किलोमीटर होते ही कितने, बस यूं गए और यूं आ गए। उधर से 20 नहीं है ना, 40 किलोमीटर हो गया ना। 40 कैसे? और 20 जाना, 20 वापस भी तो आना है। हाँ हाँ, 40 सही तो 40 सही। पापा जी गप्पे छप्पे लड़ाते, जोके शोके मारते निकल जाएंगे। ठीक है पुत्र, और भाई 20 किलोमीटर के जोक तो याद है, वापस आते हो क्या करेंगे? पापा जी आप मजाक कर रहे हैं, दिल बटा कीजिए पापा जी, दिल बटा कीजिए, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, काले रंग से दूर रहना, क्योंकि पंडित का कहना है कि सूर्य ग्रहण का सीधा संबंध काले रंग से होता है। काले रंग से बचना, और काले रंग का जितना भी तिरस्कार अपमान होगा ना, उतना ग्रहण का असर नहीं होगा। मिस्टर सनी, 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 मिस्टर सनी, मिस्टर, क्या है? सनी, हाय। आप, मैं, हसमत। हस कौन रहा है? नहीं, नाम है मेरा हसमत, हसमत खान। ओ ओके, तो मैं क्या करूं? अंदर बुलाओ। अंदर? अंदर तो अब इतना आ गए कि घर की सड़क खत्म होगी। अब क्या बाथरूम में लेके जाऊं आपको? आप करने क्या आए हैं पहले बताइए। लेने आया था। क्या लेने आया था? डिटेल्स। किसके डिटेल्स? भाई वो आपने हमारे बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दिया था ना, तो उसके लिए डिटेल्स लेने आया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बैंक से सीधे यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, सीधे तो मैं चमड़ा मार्केट से आ रहा हूँ, अलबत्ता आया बैंक के काम से। अच्छा, और अगर मैं आपको डिटेल्स ना दूं अलबत्ता तो लोन नहीं मिलेगा अलबत्ता। और अगर मैं आपको डिटेल्स दे दूं तो लोन मिलेगा? कौन मेरा लोन? मैं। आप लोग नहीं है? जी बिल्कुल। आपने अपनी शक्ल नहीं बनी आईने में? जी बिल्कुल, रोज देखता हूँ ताली बनाते वक्त। तो कभी खौफ से मरे नहीं आप? नफरत नहीं अपनी शक्ल से? मतलब आपकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे आप सिंगल पे खड़े हुए वो क्या बेच रहे हैं, वो जो क्या होता है संध्या टाइम, कमजोर कहीं के उठाई गिरे। मिस्टर सनी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपकी इंसल्ट हो रही है? बिल्कुल। आपको बुरा लग रहा है? बहुत ज्यादा। फैंटास्टिक, मतलब बिल्कुल सही जा रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते? कहना ये कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, आपके और आपके बैंक की। आपका बैंक समझता क्या अपने आपको? 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम आ जाए आपके बैंक में तो पूरा बैंक काम जाता है। देखिए आप भी काम रहे। मैं तो गुस्से से काप रहा हूँ मिस्टर सनी, मुझे गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा करिए, गुस्से से कापिए लेकिन बाहर कापिए। मिस्टर सनी मैं अदालत जाऊँ, मैं आपके मान हानि का मुकदमा करूंगा। देखिए सर, ऐसा है कि मान साबित करते करते अदालत में आपको पूरा 1 साल लग जाएगा, तो हानि की नौबत तो बहुत बाद में आएगी। अच्छा ये क्या, चलिए मिस्टर सनी। हाँ जी बोलिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप घराई लक्ष्मी को लात मार रहे हैं? लात? लात? गुड आइडिया। आप यहाँ आइए। यहाँ? हाँ यही, यही। ओके, वहां देखिए जरा। उधर? हाँ वो, अच्छा वो फ्लावर्स दिख रहे ना? हाँ वहां देखिए।
ये तो वापस ही आएगा फिर से। चलो ठीक है। अरे कोई है घर में? क्या हुआ? अरे क्या हुआ उनको? पहली बार किसी भिखारी को दूसरे भिखारी को खाना खिलाते हुए देखा है। किसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहे हैं सर। है? खाना खिलाते खिलाते खुद बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले अच्छा हुआ घर का एड्रेस दे दिए। एक मिनट एक्सक्यूज मी, ये मेरे चाचू हैं। अरे वाह, भीख मांग मांग के इतना बड़ा घर बना लिया। आज से ये धंधा अपन भी शुरू करते हैं। चल बिड़ू। चल 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 बिड़ू चल। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं पी के धोतू हूँ। क्या आप विजिट पर पी के आते हैं, धोतो के आते हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर पी के धुत। आप पी कर नहीं आए? नहीं। ओके, लेकिन फिर आप हिल क्यों रहे हैं इतना? वो तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। हाँ फिर तो नाम ठीक है आपका। एनीवे आइए पेशेंट को मिलाते हैं। किधर है? इधर। चलिए चलिए। मिस्टर सनी। हाँ जी, जरा घुमाइए। हाँ। अरे मुझे नहीं, पेशेंट को, पेशेंट को। जय श्री राम, हो गया काम। देखिए मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, अगर भगवान ने चाहे तो दो चार घंटे में गुजर जाएंगे। क्या ये लम्हे तकलीफ के लम्हे गुजर जाएंगे? बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है आप। या वो थोड़ा ऐसे ही बात का गलत मतलब मत निकाल के। ये कौन है? अरे डैड डैड, क्या हुआ? आओ डैड। ये नर्स कौन है? ये नर्स नहीं है डैड, ये डॉक्टर है। डॉक्टर ये डॉक्टर है लेकिन ही इज इंसल्टिंग मी। अच्छा देखो बात ऐसे ही रहना। अरे डॉक्टर धूत, ये आपने क्या इनके मुंह में रुमाल भी ठूस दिया? अरे बहुत चिल्ला रहे थे, कंसंट्रेशन खराब हो रहा था मेरा। अब देखिए मुंह बंद कर दिया ना। हाँ मुंह बंद। सब सब ठीक है। अरे इतना गहरा सदमा लगा, आवाज तक फट गई थी। अरे इनकी आवाज नहीं, वो मेरी मॉम की आवाज है। मेरे को लगता है कुछ तकलीफ में, जाके देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ एक मिनट। अरे कुत्ते, मेरा क्या हाल बना दिया तूने? अरे चुप। क्या है ये? क्या है? बेहोशी का इंजेक्शन। अच्छा। ये है डॉक्टर साहब। बड़ा ही शुभ दिन है, मरीज ही मरीज। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब क्या हुआ इन्हें? ये वो स्टूल पे चढ़ के जंगला साफ कर रही थी तो स्टूल हट गया और ये गिर गई। ये मतलब स्टूल नीचे और ये स्टूल के ऊपर, ऐसा कुछ हो गया। ओ, बड़ा ही बुरा हुआ इनके साथ ना? नहीं नहीं, स्टूल के साथ। अरे अब कैसी कंडीशन है ये देख रहे हैं आपके सामने? देख लीजिए कैसी। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, स्टूल की बात कर रहा हूँ। पूरी तरह टूट गया। अरे यार आप डॉक्टर है कि कारपेंटर? कारपेंट नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर तो फिर स्टूल को छोड़िए, पेशेंट को देखिए प्लीज। अच्छा चलिए घुमाइए। इनके साथ भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे घुमाइए। शाम के वक्त मुझे साफ साफ नहीं दिखता है, कहाँ है पेशेंट? कमाल है यार। देखिए मेडिसिन मैंने सारी लिख दी है, उन्हें टाइम पे मत दीजिएगा। क्या नहीं मतलब, जब भी ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा चिल्लाए वो लोग, तभी दीजिए। हाँ, हाँ, समझिए। और ये लीजिए। ये क्या? कुप्पी। कुप्पी वो क्या? देखिए पेशेंट तो बेहोश है। हाँ। तो दवाई कैसे पिलाएंगे? तो ये मुंह में लगाइए, दवाई डालिए, दवा अंदर, दम जलंधर, फिनिश। क्या? नहीं मेरा मतलब उनकी तकलीफ है, परेशानियां, फिनिश। ये लीजिए। हथौड़ा की जरूरत है? देखिए पेशेंट के सिर पे हर आधे घंटे बाद ये हथौड़ा मारिए। वो क्या दिमाग है ना उनका, तो वो डिसबैलेंस हो गया है, ये मानसिक सेंटर में है ना। ये मेरा बिल 3,775 रुपए 50 पैसे का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। okay, मैं चलता हूँ। हाँ, मेरा फोन आ गया। हेलो। हाँ जी जी, बोल रहा हूँ।
जी शमशेर मेरे फादर इन लॉ है और सिमी मेरी वाइफ है। क्या? ओ माय गॉड। नहीं नहीं देखिए मैं आता हूँ, मैं आता हूँ वहां पे। हाँ इनफैक्ट डॉक्टर धूत मेरे साथ है सकत। जी जी मैं आता हूँ। थैंक गॉड आप गए नहीं। एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ शमशेर वो काली नदी के रास्ते से वापस आ रहे थे। हाँ? तो वापस आते थे मेरी बीवी बेहोश हो गई, तो मेरे फादर इन लॉ उनको लेके अस्पताल चले गए, वहां पर वो भी बेहोश हो गए। इनफैक्ट इंसिडेंटली वो आप ही के क्लिनिक में गए हैं, मुझे अभी भी फोन आया है। क्या बात है, गॉड इज रियली गुड, दिन बड़ा ही शुभ है। जी जी जी। वो मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि वो गैलरी में एक औरत बहुत सारे धान के साथ बेहोश पड़ी है। कौन है? धान औरत? Oh my God, मम्मी जी, मम्मी जी, जय श्री राम। हो गया काम, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अरे यार डॉक्टर धूत यहाँ पर सब लोगों की तकलीफ है, आप खुश हो रहे हैं? देखिए यही तो हम लोगों के प्रोफेशन में हम लोग ठीक से खुश भी नहीं हो सकते। लेकिन मिस्टर सनी, ये आपके घर में ये सब हाल अचानक कैसे हो गया? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण? आज जो सूर्य ग्रहण हुआ ना, पंडितों का ये कहना है कि अगर कोई उसको सीधे सीधे खुली आंखों से बगैर चश्मे के देख ले तो वो और उसका पूरा परिवार मुसीबत में आ जाते हैं। हाँ। है ना? तो हमारी मम्मी जी ने उन्होंने देख लिया, इसलिए तब से सबके सब मुसीबत में, समझे आप? अच्छा, कब देखा उन्होंने सूर्य ग्रहण? जी आज सुबह 10 बजे। 10 बजे? हाँ। लेकिन सूर्य ग्रहण तो सवेरे 10 बजे पड़ा ही नहीं। ठीक है, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा। क्या कह रहे हो भाई साहब? मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुई? नहीं ठीक ठहरी, मतलब हमारे अलावा सब ठीक है। हाँ, वो सूर्य ग्रहण सवेरे नहीं शाम को 5 बजे पड़ा था। हाँ? वो जब मिस्टर सनी ने मुझे फोन किया था उस वक्त मैं छत पे खड़ा हुआ नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण ही तो देख रहा था। क्या बात कर रहे हैं, बगैर कपड़ों के? मेरा मतलब बगैर चश्मे के? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता, मतलब आप विश्वास नहीं करते इस समय जो पंडित कहते हैं कि अगर देख लिया तो ये हो जाता है वो हो जाता? नहीं नहीं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या है ना, मुझे ये बात सूर्य ग्रहण देखने के बाद पता चली। अच्छा अच्छा। तो गांव से हमारे फैमिली पंडित का फोन आया था। आपका फैमिली पंडित गांव में रहता है? हाँ, बहुत होशियार है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आज मैंने सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से देख लिया तो जिस पहले घर में आज की तारीख में मैं बैठाऊंगा वो घर बर्बाद हो जाएगा, घर के सारे सदस्यों पे संकट आ जाएगा, पूरा घर बर्बाद। तो पहला घर कौन सा है? आपका। उपाय है, उपाय है, उपाय है। क्या है उपाय? मैंने बताया उपाय है, घर में जिसके सबसे कम बाल होंगे ना उसे हरिद्वार पैदल जाके प्रसाद चढ़ा के पैदल वापस आना। कोई ऐसी औरत हो जो कभी किचन में नहीं गई हो तो उसे असली घी के 2 टन लड्डू बना के शहर के सारे भिखारियों को बांटने पड़ेंगे। घर में कोई ऐसा आदमी हो जो उन पत्नी सेवा करता हो, बहुत से होते हैं ना वो, ऐसा कोई आदमी हो ना तो उसे छोटा सा काम करना है, जंगल में जाके इस शेर का नाखून तोड़ के लाना है। और घर में अगर कोई बहुत ही अच्छी औरत हो, सुगर गृहिणी जो वो खाना वाना बनाती है, सबको खिलाती है, है ना, हाँ, तो उसे 500 किलो रुई धुन के उनकी रजाइयां बना के पंडितों को दान करनी है। अच्छा बात बताइए, घर के लड़के के लिए कोई निवारण? लड़का आप? यहाँ तो मैं यूजी। अच्छा अच्छा, पहले फीस निकालिए। फीस आप कितनी? 2 हजार। हाँ ये लीजिए। पूरे? हाँ पूरे पूरे। तो आपको ऐसा कोई भी भारी काम नहीं करना। अच्छा मुझे नहीं करना, छोटा सा काम है, छोटा सा। हाँ, आपको अगले सूर्य ग्रहण तक अपनी बीवी से दूर रहना। अच्छा मतलब अगले सूर्य ग्रहण तक? कब है सूर्य ग्रहण? 4 साल बाद। अच्छा 4 साल बाद।